अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे हैदराबादी तला हुआ गोश्त, हरा मसाले में बनाएंगे और इंशाल्लाह दिखाते हैं इतना आसान और लाजवाब। तो बनाते हुए आपको दिखाते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हम आपको दिखा देते हैं। तो मटन हमने ले लिया है, मटन हमारा 600 ग्राम हड्डी वाला है, ठीक है, आप इसे बोनलेस में भी ले सकते हैं। तो मटन हो गया हमारा। अब कुछ हमारे हरे मसाले हैं, करी पत्ता है, पुदीना है, हरी धनिया है, मिर्ची और एक लेमन है, अदरक है, लहसुन है और कुछ सूखे मसाले हैं, हल्दी, जीरा और धनिया। तो ये हो गए हमारे हरे मसाले। और अब मटन को हम बॉईल कर लेते हैं। तो मटन में हम ज़्यादा कुछ डालेंगे नहीं, मटन को डाल के उसके बाद में इसके अंदर थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक, और नमक के बाद थोड़ा पानी डाल देंगे, और पानी डाल के थोड़ा सा 2 टेबल स्पून जितना हम तेल डाल देंगे इसके अंदर, और ढक्कन मार के इसको रख देंगे सीधा हम बॉईल करने के लिए। 3 से 4 सीटी मार देंगे ताकि मटन हमारा खूब अच्छी तरह से गल जाए। तो अब हम पीस लेते हैं हरा मसाला, पेस्ट कर लेते हैं। तो डाल देते हैं हम पहले पुदीना, सारा पुदीना हम डाल देंगे। उसके बाद में धनिया डाल देंगे, धनिया थोड़ा सा हम बचा लेंगे, जितना पुदीना रहता है उससे धनिया थोड़ा कम। और ये मिर्ची डाला, अदरक लहसुन डाला, उसके बाद बंद करके इसको हम पीस लेंगे। बारीक पीस देंगे। सीटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब गैस हम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, तला हुआ गोश्त जो कहते हैं, एक्चुअली ये तला हुआ नहीं रहता है। अगर आप लोग समझ रहे होंगे, जिन लोग को पता है उनको तो पता है, और जिन भाई को नहीं पता है उनको बता दो कि ये तला हुआ गोश्त है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको हमने डीप फ्राई किया है, तेल में तला हुआ है, ठीक है। इस तरह भी लोग बनाते हैं कि कॉर्नफ्लावर थोड़ा और मैदे मिला के बेटर टाइप बना के और ऑयल में फ्राई कर लेते हैं, फिर वो 65 ऐसा हो गया, वो तला हुआ गोश्त नहीं है, ठीक है। तो ये तला हुआ गोश्त जो है इसको हम पहले गला लेते हैं। अच्छा, इस तरह भी बनता है कि जैसे आप बोनलेस में बनाना चाहते हैं तो पपैया डाल के उसको रख दें, अदरक लहसुन मिर्ची धनिया पुदीना जो भी आप पेस्ट बनाते हैं साथ में डाल के, और उसके अंदर नमक मार के और मिला के रख दें पपैया डाल के। फिर वो 1-2 घंटे के बाद वो जब हल्का सा गल पकता है उसके बाद में उसको पैन के अंदर डायरेक्ट पका देना है, फिर उसको आप बॉईल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे पपैया गर्मी में जाता है वो और रिएक्ट करता है, फटाफट गल जाता है, तो 1.5-2 घंटे में 40 मिनट समथिंग लगता है और गल जाता है। लेकिन हमने क्या किया है, सिर्फ नमक तेल डाल के बॉईल करने को रख दिया है। अब ये हम आपको दिखाएंगे, बनाने के लिए इजी भी होगा आपको और बहुत लाजवाब होगा। तो अब हम दिखाते हैं आपको बनाते हुए। तो मटन तो हमारा बॉईल हो चुका है, बढ़िया। अब रख दिया एक पैन हमने, पहले इसमें थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे 2-3 टेबल स्पून। उसके बाद डाल देंगे हम बॉईल किया हुआ मटन, पानी के साथ ही हम डाल देंगे। तो इसका पानी अब हमें जला देना है। अगर आपका मटन थोड़ा हल्का कड़क भी रह जाता है तो दिक्कत की बात नहीं है, ये पानी सुखाते सुखाते थोड़ा पकेगा, उसके बाद जब हम मसाले डालेंगे तब भी पकेगा, अब तो मटन अच्छी तरह से गल जाएगा, ठीक है। लेकिन कड़क नहीं होना चाहिए, फिर ऐसा भी नहीं गलाना है कि टूट जाए, ठीक है। तो गाइस, इस टाइम हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। अब डाल देंगे जो पेस्ट हमने बनाया था उसको, जीरा 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। अब इसको हम फिर से पकाएंगे। अब इसको पका के आपको एकदम ड्राई कर देना है, ग्रेवी इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूरा सूख जाना चाहिए। अब डाल देंगे करी पत्ता और एक लेमन निचोड़ देंगे, थोड़ी सी धनिया हमने बचा लिया था,
उसको थोड़ा ऊपर से मार देंगे और इसे अच्छी तरह से हम सोते करके एकदम ड्राई कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं एकदम ड्राई हो गया और उसके ऊपर जितना भी मसाला हमने डाला था वो सब इसके अंदर कूट हो गया। ठीक है, तो अब ये हो गया है रेडी, अब हम डिश आउट कर देते हैं। तो गाइस तला हुआ गोश्त हमारा आ गया। जितने भी स्टाइल से बनते हैं उनमें से एक तरीका ये है, आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना।